लॉरेंस बिश्नोई का आज साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रिमांड दिया है, किस केस में दिया है और कितने दिन के लिए दिया है? देखिए, आज मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को क्राइम ब्रांच सनलाइट जो पी एस है वहाँ पे, उन्होंने आज कल मंडाली जेल में आके अरेस्ट करके फॉर्मलाइज आज साकेत कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। और उन्होंने 24/5/2023 का एक मैटर है जिसमें एक्सट्रॉशन के धाराओं के तहत जो एफ आई आर दर्ज की गई है 141/2023। इस एफ आई आर के अंदर में जो रमनदीप जो कंप्लेनेंट हैं उनका ये कहना है कि उनको एक्सट्रॉशन कॉल आई थी इंटरनेशनल नंबर से, और आगे प्रोसिक्यूशन और पुलिस का ये वर्जन है कि ये जो कॉल्स हैं ये अनमोल बिश्नोई ने की थी और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा किया गया एक्सट्रॉशन का जो है रैकेट चलाया जाता उसी का ये जो है पार्ट है। और 24/5/2023 को जो है तीन लड़कों ने 5 राउंड गोली जो है रमनदीप को आगे से उसको थ्रेट करने के लिए उस पर जो गोली चलाई थी उसको सीसी फुटेज के तहत पे उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और फर्दर इंटरोगेशन के अंदर में ये निकल के आया कि इसके अंदर जो मास्टरमाइंड है पीछे का वो लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा है ये एक्सट्रॉशन कराने के अंदर। तो इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन साकेत कोर्ट में सीएमएम साहब के सामने प्रोड्यूस की गई कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका हमें 14 दिन का पुलिस रिमांड दिया जाए और हम ये इसके अंदर संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा ही उन तीनों लड़कों को जो है फंडिंग की गई थी और हथियार मुहैया कराए गए थे, हम उसके बारे में डिटेल इंटरोगेशन करना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना था कि हमने हर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है और ये फॉल्स ए फैब्रिकेट मुकदमा है हमारे क्लाइंट के खिलाफ और हमें इसके अंदर में कोई कोताही नहीं है, कोई हमें इस तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन में कोई भी किसी तरीके से हर तरीके से ज्वाइन करने को तैयार हैं। तो जज साहब ने रिमांड कितने दिन का? 10 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। 10 दिन का पुलिस रिमांड के अंदर शर्तों के साथ दिया गया है, हर 48 घंटे के अंदर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आरएमएल से उसका मेडिकल कराया जाएगा और टेलीफोन पे हमसे बात कराई जाएगी एडवोकेट्स के साथ में डेली आधा घंटा। इसके अलावा अल्टरनेटिव डेज के अंदर में हम वकीलों को आधा घंटा मिलने के लिए उससे जो है टाइम दिया जाएगा। और सर ये जो तीन लोग जो पहले से अरेस्टेड हैं सर ये कौन तीन लोग? ये तीनों जो हैं ये एक तो गुजरात से बिलोंग है और 2 जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है। ये तीनों जो हैं बताए जा रहे हैं कि सीसी फुटेज के व्यापार पे पुलिस ने इनको इन्वेस्टिगेट आगे से अरेस्ट किया है और इंटरोगेशन जब की गई तो उन्होंने कहा कि हम अनमोल बिश्नोई को फेसबुक पे हम उसको फॉलो किया करते थे और हम जो है लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित थे, हम उसकी तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे इसलिए हमने किया। और एंड में जब हमने अपनी रिक्वेस्ट अनमोल बिश्नोई को फेसबुक रिक्वेस्ट पे भेजी तो उसने काफ़ी टाइम बाद हमें ये काम सौंपा और हमने अनमोल बिश्नोई के कहने पे ये गोलियां चलाई हैं। सर इसमें क्या कोई नाबालिग भी पकड़ा गया है? इन तीनों में से कोई नाबालिग आरोपी भी है? नहीं, इनमें तीनों में कोई नाबालिग नहीं है, तीनों बालिग हैं और तीनों पुलिस कस्टडी के अंदर ऑलरेडी से हैं। तो उनको कन्फर्म कराने के लिए भी पुलिस ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को तीनों के साथ कन्फर्म कराया जाना है? हाँ बिल्कुल, उनको कन्फर्म कराना है। पुलिस का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के नहीं, इनको तीनों को जो है अनमोल बिश्नोई के कहने पे जो है फंडिंग कराई है और हथियार मुहैया कराए हैं, उस नेक्सस को ब्रेक करना है, इनको आपस में कन्फर्म कराना है और इंटरोगेशन में हमें ये पता करना है कि ये नेक्सस किस तरह से काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।